नमस्कार, कृष्ण संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर के उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ से कृषि विभाग से संबंधित है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग श्री गंगानगर द्वारा किसानों को डिग्गी निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें किसानों को 3 लाख रुपये अनुदान राशि के अंदर वे राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान था, जिसके चलते किसानों ने ब्याज पर कर्जा लेकर डिग्गियों का निर्माण करवाया गया। इस संबंध में संबंधित किसानों का आरोप है कि एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कृषि विभाग द्वारा किसानों को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस स्थिति में सूरतगढ़ के राजेश्वर कृषि बेल्ट के वे बिरदवाल गांव के काफ़ी किसान शामिल हैं। बिरदवाल गांव के किसान ओम प्रकाश जाट ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में डिग्गी की स्वीकृति लेकर डिग्गी का निर्माण करवाया गया था, परंतु अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। किसानों का आरोप है कि संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। देखिए सूरतगढ़ से कृषि संदेश न्यूज की यह रिपोर्ट। पिछले सत्र में 2018-19 में हमारे डिग्गियों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3 लाख रुपए अनुदानित राशि दी थी, जो कि हमें हमारी डिग्गी का पिछले साल हमें इसका स्वीकृति मिली थी जुलाई अगस्त महीने में, और हमने इस डिग्गी को नवंबर महीने में बना के कंप्लीट कर दिया था और फाइल कृषि विभाग श्री गंगानगर को जमा भी करवा दी थी। जबकि इसका भुगतान 31 मार्च 2019 को होना अनिवार्य था, बीच में विधानसभा के चुनाव होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया, परंतु उसके बाद जब पता किया तो अधिकारियों का स्पष्टीकरण था कि हमारे पास में बजट नहीं है। सवाल ये कि जब बजट ही नहीं था तो किसानों को स्वीकृतियाँ क्यों दी गई, और स्वीकृति दी तो किसानों को फिर पैसा भी मिलना चाहिए। जिन किसानों को स्वीकृतियाँ मिली उसके पास खुद का पैसा था, किसी ने किसी से साहूकार से कर्जा लिया, जिसने साहूकार से कर्जा लिया वो 72,000 रुपये 3 लाख रुपये के सालाना ब्याज के भर रहा है, और उसकी जो फसल हो रही है 8-10 बीघे में वो ब्याज में पूरी हो रही है। काफ़ी परेशानी किसान झेल रहे हैं, एक हमारे ही नहीं काफ़ी हमारे गाँव के 8-10 किसान हैं, जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कई किसान होंगे जिनका भुगतान आज तक अभी नहीं हुआ है। विभाग द्वारा पत्थर प्लेटें लगा दी गई और उन पत्थर प्लेटों पर स्वीकृत दिखा दिया कि 3 लाख रुपये हमारे यहाँ पे स्वीकृत किया गया, बल्कि ऐसा हुआ नहीं है। मेरा सरकार से और कृषि विभाग श्री गंगानगर से निवेदन है कि हमारा जो भुगतान बाकी है उसको जल्दी से जल्दी करवाया।